नमस्ते दोस्तों, सी एस अदबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्यू टी डी एस के द्वारा आप टी डी एस सी पी सी की वेबसाइट पे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सी एस अदबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले आप कॉम्प्यूटेक्स सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे टी डी एस की टैब पे प्रेस करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आप नीचे से असेसमेंट ईयर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्वार्टर चूज़ करेंगे और यहाँ से आप पार्टी चूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आपने जिस भी क्वार्टर के लिए टी डी एस रिटर्न फाइल कर दी है उसके बाद ही आप टी डी एस सी पी सी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जिस भी क्वार्टर में आपने रिटर्न फाइल की है वो यहाँ से चूज़ कर लीजिए या फिर आप पार्टी ओपन करके भी चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्वार्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्वार्टर के लिए हमने टी डी एस रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी है और उसकी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है कॉक्स के सॉफ्टवेयर में, लेकिन हमने अभी तक ट्रेसिस की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में येलो में आ रहा है कि इम्परफेक्ट ट्रेसिस आई टी पासवर्ड अभी रजिस्टर नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ट्रेसिस पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप यूज़र आईडी और पासवर्ड जो एंटर करेंगे एडिट प्रेस करके, यहाँ पे आप जो भी यूज़र आईडी रखना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे और पासवर्ड भी यहाँ पे एंटर कर देंगे, उसके बाद अपडेट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर न्यू पे प्रेस करना है। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कॉम्प्यू टी डी एस सॉफ्टवेयर के द्वारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिकली 10 जो डायरेक्टर का एंटर कर दिया गया है। हमें यहाँ पे सिर्फ कैप्चा कोड एंटर करना है और प्रोसीड करना है। दोस्तों, इस प्रकार स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक सभी स्टेप्स सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिकली कर दिए गए हैं टी डी एस सी पी सी की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैसेज आ रहा है यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेव नहीं हुए हैं, आप इन्हें मैन्युअली सेव कर लीजिए। तो ओके कर दीजिए। दोस्तों, आप यहाँ सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म करेंगे, ये आप यूज़र आईडी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन कोड दोस्तों भेजा जाता है आपके ईमेल एड्रेस पे और मोबाइल नंबर पे जो आपने अभी यहाँ पे फिल किया था। तो दोस्तों, आपको वहाँ पे क्लिक करना है 48 आवर्स के अंदर और उसे एक्टिवेट करना है। तो आपको दो कोड आए होंगे, एक आपके ईमेल पे आएगा, एक आपके मोबाइल पे आएगा। दोनों को आपको एंटर करना है और उसके बाद ही एक्टिवेशन सक्सेसफुल होगा। तो आपको अपना ईमेल एड्रेस जो चेक करना है, उस पर लिंक पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ईमेल आ जाती है टी डी एस इंटीमेशन के नाम से और यहाँ पे एक्टिवेशन लिंक दिया होता है, आपको इस पर क्लिक करना है और इसके साथ ही नीचे एक एक्टिवेशन कोड दिया है, इसे आपको एंटर करना है। और दूसरा जो एक्टिवेशन कोड होगा वो आपको मोबाइल पर भेजा जाता है SMS के द्वारा। दोस्तों, जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको यूज़र आईडी एंटर करना है जो कि आपने 10 को रजिस्ट्रेशन करते हुए वहाँ पे दिया था, और उसके बाद ईमेल पे जो आपको कोड मिला है वो एंटर करना है, जो SMS के द्वारा आपको कोड आया है वो एंटर करना है और यहाँ पे सबमिट करना है। दोस्तों, जैसे ही आप ये कर देंगे तो इसके बाद आपको मैसेज आएगा कि एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो गया है। दोस्तों, उसके बाद आप कॉम्प्यू टी डी एस में यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टेटस है चेंज हो गया है, रजिस्टर्ड एंड एक्टिव यूज़र, और यहाँ पे जो बटन है वो भी चेंज हो गए हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट समरी आउटस्टैंडिंग डिमांड के बटन आ गए हैं। तो इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है टी डी एस सी पी सी की वेबसाइट पर वो कम्प्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए कि कॉम्प्यू टी डी एस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप टी डी एस सी पी सी की वेबसाइट पे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई क्वेश्चन हो कॉम्प्यू टी डी एस से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टी डी एस, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS@BSing टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।